हर क्या बात करते हैं, जिसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ऐसे शख्स की कहानी जो पर्यावरण के क्षेत्र में भीष्म पितामह के नाम से मशहूर है। इनके नाम सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है और बिहार सरकार इन्हें कई बार सम्मानित भी कर चुकी है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये हैं गजेंद्र यादव, पर्यावरण के प्रति जी जान से समर्पित। दिल का मरीज होने के बावजूद गजेंद्र यादव ने करीब 7 लाख पेड़ पौधे लगाकर नया कीर्तिमान रच दिया है। हम 2003 से पौधारोपण करना शुरू किए और उससे पहले हम रेडियो बराबर सुना करते थे, उसमें पर्यावरण संबंधी पर्यावरण पर जो खतरा मंडरा रहा है बार बार उस पर चर्चाएं होती थी, तो मैंने उसको सुना करता था, तो मैं उससे मुझको प्रेरणा हुआ कि पेड़ लगाना चाहिए। अब तक हमने करीबन 7 लाख से ज्यादा पौधा लगा दिया है। पैंतीस साल के गजेंद्र बगहा के पिपरा गांव के रहने वाले हैं। पर्यावरण के प्रति इनका प्रेम ऐसा कि आजीवन विवाह न करने का प्रण ले लिया। गजेंद्र के इसी समर्पण को देखते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उन्हें पटना के विज्ञान भवन में सम्मानित किया। सेना के जवान भी गजेंद्र की इस निष्ठा के कायल हैं। मैं एक सैनिक हूं और मैं जब भी गांव में आता हूं अपना मैपुर फतुड़ा पंचायत की शहरोलिया गांव में, तो मैं इनसे मिलता हूं। इनसे मिलने के बाद मुझे अपार अपने आप में एक खुशी महसूस होती है कि हमारा समाज जो ये पर्यावरण के लिए कहीं चलने के लिए कोई तात्पर्य नहीं था, वहां पे गजेंद्र भैया ने अभी तक 7 लाख पेड़ को लगा के और एक हरियाली का एक नया उद्देश्य दिया है। गजेंद्र यादव पिछले 15 सालों से लगातार इस मिशन पर जुटे हुए हैं। उनकी लगन और निष्ठा को देखते हुए सीएम नीतीश भी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। जाहिर है गजेंद्र जैसे पर्यावरण प्रेमियों के योगदान से बिहार में बदलाव का सपना सच हो रहा है। इमरान अजीज, जी मीडिया, बगहा।